टेंथ आईसीएसई में हम लोग पॉइटिक क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने चल रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से दीजिएगा बच्चों। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, 1 upon 2a plus b plus 2x = 1 upon 2a plus 1 upon b plus 1 upon 2x। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसपे इसका ट्रिक है कि जो 1 upon 2x वाली जो टर्म है इसको इस साइड ले आते हैं। तो इस साइड ले जाएंगे तो +1/2x है, तो इधर क्या हो जाएगा -1/2x, और इधर आपका बचेगा बच्चों 1 upon 2a plus 1 upon b। अगर हम बात करें एलसीएम की तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में 2a plus b plus 2x, और होल अपान में आपका आ जाएगा 2x into 2a plus b plus 2x, और यहाँ पे बच्चों अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2ab, और 2a को अगर डिवाइड करेंगे तो b ऊपर जाएगा, और b को अगर डिवाइड करेंगे तो 2a ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि अगर हम माइनस को बाहर है अगर अंदर ले जाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा प्लस माइनस 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 2a, ये हो जाएगा प्लस माइनस 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 b, और ये हो जाएगा माइनस 2x। अब बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका b बाई 2a जो है वो जो का त्यो रहेगा, b अपॉन 2a एंड 2a अपॉन b, 2ab, और यहाँ पे आपका 2x, तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्यारे बच्चे हो जाएगा ये 4ax, और ये हो जाएगा 2bx, और ये हो जाएगा 4x2। अब यहाँ पे प्लस का 2x, प्लस का 2x, माइनस के 2x से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2a माइनस बी माइनस 2a माइनस 2b माइनस बी, और यहाँ पे प्लस बी प्लस 2a है, तो क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये दोनों प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2a प्लस बी है, यहाँ पे भी 2a प्लस बी है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आपका आ जाएगा फाइनली माइनस 1, इसको क्रॉस कर देंगे इनटू में तो 2ab, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ में, तो ये हो जाएगा आपका 4ax प्लस 2bx पर 4x2। अब यहाँ पे आपका ये जो हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस 2ab है, तो इसको अगर उधर भेजेंगे तो सिंपल, अगर इसको इक्वेशन को सीधा करके लिखें तो ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स 4x2, और ये हो जाएगा आपका माइनस 2ab उधर गया तो प्लस 2ab और प्लस 2bx, और ये आपका क्या है 2bx और 4ax है, तो 4ax भी लिख दो साथ में, यहाँ पे 4ax प्लस 2bx, और ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2ab इक्वल टू 0। अगर इसको हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका कॉमन आ जाएगा बच्चों 4x, तो यहाँ पे आपका एक x आ जाएगा और यहाँ पे आपका a आ जाएगा। अगर बात करें ये इन दो पोर्शन में तो 2bx और 2ab में कॉमन आपको 2b मिल रहा है, तो यहाँ पे 2b अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में फिर से आपका आ जाएगा x प्लस a इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में आपका x प्लस a आ गया और अनदर ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 4x प्लस 2b, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x प्लस a और यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 2b इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो x प्लस a इक्वल टू अगर 0 करिएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस a और 4x प्लस 2b, 4x प्लस 2b इक्वल टू 0 करेंगे तो 4x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2b, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2b बाई 4, x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस b बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे एक x की वैल्यू माइनस a आ गई, एक x की वैल्यू माइनस b बाई 2 आ गई। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपका ये क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ, और ये क्वेश्चन आप कम से कम एक बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। तो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th आईसीएसई का हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की सीरीज चल रहे हैं, तो यहाँ पे सीरीज चला रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, उसी सीरीज में एक क्वेश्चन है कि 1 upon a plus b plus x = 1/a plus 1/b plus 1/x।
इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें है कि ये है कि प्लस का वन बाई एक्स है, हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन हो तो प्लस का वन बाई एक्स टर्म वाला जो टर्म होता है उसी को हम इधर ले आते हैं। तो जब यहाँ पे आप इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो प्लस का वन बाई एक्स है, यहाँ पे आएगा माइनस का वन बाई एक्स। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ए प्लस बी प्लस एक्स और एक्स का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है। तो आपको पता है बच्चों कि जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स ऊपर आएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होने, तो एक्स न्यूमरेटर वन से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स आ गया माइनस, फिर यहाँ पे एक्स इससे डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस एक्स क्या चला जाएगा डिनोमिनेटर में वन के साथ मल्टीप्लाई होने। फिर यहाँ पे इस साइड अगर देखेंगे तो ए और बी का एलसीएम आएगा ए बी, तो ए को ए बी से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा ए, ठीक है। वैसे ए को डिवाइड करेंगे तो बी आएगा, लेकिन मैंने इसको क्या किया है कि सीधा लिखने के लिए पहले ए लिख दिया, लेकिन जो रूल है उसके हिसाब से बी आएगा और उसके बाद ए आएगा, लेकिन हमने इसको स्ट्रेट करके लिख लिया है। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी होल अपान ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स तो ऐसे ही रहा, यहाँ पे माइनस बाहर है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स होल अपान में है एक्स ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस एक्स, ये हो गया बच्चों। और इस साइड आपका है ए प्लस बी होल अपान ए बी। अब आपको पता है कि यहाँ पे माइनस है और माइनस बी है, अगर माइनस कॉमन लेते हैं माइनस स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी, और इस साइड आपका एक्स और ए प्लस बी प्लस एक्स, ये आपका एलसीएम जो था वो वैसे ही, और इस साइड भी आपका ए प्लस बी है, इधर भी ए बी है, तो ए प्लस का ए बी और ए प्लस का ए बी कट जाएगा यहाँ पे, लेकिन माइनस बाहर है तो ये हो जाएगा माइनस वन। अब आपको ये पता है कि ए बी को अगर माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी आएगा, और इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है वन है, तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे बच्चों तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको स्ट्रेट करेंगे सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस ए एक्स और ये हो जाएगा प्लस बी एक्स, और ये जो माइनस ए बी है उस साइड जाएगा तो प्लस ए बी हो जाएगा, तो प्लस ए बी इक्वल टू क्या आ गया जीरो। तो यहाँ पे हम इन दोनों में कॉमन लेंगे तो हमें कॉमन क्या मिल जाएगा एक्स, तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस ए, एंड सेकेंड में बी एक्स प्लस ए बी है तो बी कॉमन हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे बी कॉमन होगा तो बी कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस ए ये भी आ जाएगा इक्वल टू जीरो। अब एक ब्रैकेट में आपका एक्स प्लस ए आया है और नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका एक्स प्लस बी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक्स प्लस ए से जब बारी बारी से कॉमन लिया है एक्स प्लस ए तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे केवल एक्स बचेगा, यहाँ पे केवल बी बचेगा जो कि नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा, और एक्स प्लस ए आपका कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस ए और यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। ये ध्यान से लिखिएगा, ये आपका बच्चों एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इक्वेट करेंगे एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू माइनस ए, ऐसे ही सेम वे में एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी। तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक मोटिवेशनल कोट है कि चरण चूम लेती है चल करके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू।